नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं, वो वीडियो है पाकिस्तानी एक रिएक्शन चैनल है उसका, और इसका टाइटल है इंडियाज एक्सपोर्ट्स क्रॉस $100 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्वार्टर एंडिंग। यानी कि क्वार्टर एंड में $100 बिलियन का भारत ने एक्सपोर्ट किया है। तो भारत की इस अचीवमेंट पर वहां के पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर में पहली बार यानी कि सेकंड क्वार्टर में $100 बिलियन जो है क्रॉस किया, तो क्या कहेंगे इस बारे में उनको? अच्छा, यही कहना चाहूँगा कि जितनी बड़ी इकॉनमी उसकी है ना, मैं अगर अच्छा हम पाकिस्तानी और इंडिया की इकॉनमी को अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की कोई बनती है $200 बिलियन और जो इंडिया की है वो $2000 बिलियन से अबव की है। कितना बड़ा डिफरेंस है, इतनी बड़ी इकॉनमी है उसकी। और इंडिया की एक ख़ास बात, मुझे एक अच्छी बात ये लग रही है कि वो हर जो बाहर की कंपनी है उसको इंडिया के अंदर लेकर आ रहा है। जितनी चीज़ें हैं वो इंडिया के अंदर बन रही हैं, मेड इन इंडिया हुई पड़ी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मेड इन चाइना वाला मामला थोड़ा सा ख़तरनाक होने वाला है। तो डेफिनेटली जब लोकल लेवल पे प्रोडक्शन इंडिया की बेहतर होगी तो वो चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इंपोर्ट मेरे ख्याल से अभी उनकी कम हो रही है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से डेफिनेटली वो जो $100 बिलियन का उन्होंने वो भी क्रॉस किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सर आपका नाम? एहसान। इंडिया में हिस्ट्री में पहली बार सेकंड फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में $100 बिलियन की एक्सपोर्ट को जो है क्रॉस किया है, तो आप एज अ पाकिस्तानी क्या? डॉलर की? अच्छा, इंडिया ने $100 बिलियन की एक्सपोर्ट को क्रॉस कर लिया है। बिल्कुल, तो कोई बात नहीं आपके लिए, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, 1 अरब से ज़्यादा की बात है, उनकी क्रॉस कर सकते हैं भाईजान। अच्छा, इसके पीछे क्या, इसके अलावा क्या रीजंस लगती हैं आपको? रीजंस कुछ नहीं है, उन लोगों ने हार्डवर्क किया है, मेहनत कर रहे हैं वो, तो उनकी मार्केट बड़ी है, तो वैसे वो लोग ना बोलते बहुत हैं। ऐसा क्यों है? तो मैं कुछ इंडियंस को जानता हूँ, मैं गया हूँ आउट ऑफ कंट्रीज, मेरे काफ़ी सारे इंडियन दोस्त भी हैं, तो मैं उनको जान रहा, वैसे बोलने में बहुत तेज़ हैं वो, बोलने में बातें जितनी मर्जी करवा लें उनसे, इसी वजह से उन लोगों ने हाइट पकड़ी हुई है, हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं इस मामले में। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है, उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट है इस साल हम $400 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट को क्रॉस करेंगे, या $400 बिलियन जो है उन्होंने कहा है, तो कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैम यहाँ से बूंगी मार जाऊँ फ़ायदा नहीं है, तो मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, तो हो सकता है कर जाए, उन्होंने पहले कर लिया है, $100 बिलियन को क्रॉस किया है, और $100 बिलियन को क्रॉस किया है, और टारगेट जो है बाकी 300 रह गए वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है उनके लिए, मार्केट बढ़ी है। $197 बिलियन कर चुके हैं, और उन्होंने 400 करना है, कब तक करना है उन्होंने? 6 महीने में। पहला कितने देर में किया उन्होंने? 6 महीने में। तो हाँ, तो कर लेंगे, उनके कौन सी मुश्किल है, एक्सपीरियंस उनके पास है, कर उन्होंने लिया है, मार्केट उनकी बड़ी है, अच्छा वो खेलना जानते हैं तो कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अच्छा आकिब साहब, के इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में पहली बार $100 बिलियन के एक्सपोर्ट को जो है क्रॉस किया, आप उनकी अचीवमेंट पर क्या कहेंगे? अब इंडिया मजीद जो है तरक्की कर रहा है, ऊपर आई जा रहा है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी उसको अपने ना मुल्क में बुलाते हैं, और जो कि पैसे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जाके फिर जो कि ये कारोबार करते हैं। हमारे पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी पूरे कंपनी को बुलाएं, पूरे 3 साल अब अपने पीएम साहब गुजर गए, कोई ऐसा नहीं आया, कोई कंपनी या बड़े इन्वेस्टर नहीं आया जो कि पाकिस्तान को तरक्की दे सके, इंडिया फिर भी बाजी ले जाएगा। अच्छा अली, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर में पहली बार $100 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है वो की है और उसको क्रॉस किया है, तो आप उनकी अचीवमेंट पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारा साथ का मुल्क है और किस कदर तरक्की कर रहा है, बहुत खुशी होती है देखकर, और ये है कि हमें भी कुछ सीखना चाहिए उनसे, और ये है कि अच्छा इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने टारगेट सेट किया है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक $400 बिलियन का जो टारगेट अचीव करेंगे, तो क्या लगता है इस बारे में आपको? डेफिनेटली कोई भी जब कामयाबी तब मिलती जब आप अपने टारगेट सेट करते हो, तो डेफिनेटली उन्होंने टारगेट सेट किया, पहले टारगेट अभी सेकंड में आपने बताया कि 100 बिलियन से अबव कर लिया, अभी उन्होंने चार और टारगेट सेट किए हुए हैं, तो जैसे जैसे उनकी एक्सपोर्ट बेहतर होती जाएगी वो उन चीज़ को अचीव करते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा बात है कि कोई भी चीज़ देख ले वहाँ पर फ्री लांसिंग इतनी ज़्यादा है, IT का इंडिया में अब नाम है, CEO जो था गूगल का वो भी इंडिया का ही बंदा था,
तो जब यहाँ पे डेफिनेटली जब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लोग काम करेंगे, लोकल लेवल पे काम होगी, प्रोडक्शन होंगी, चीज़ें बनेंगी, तो वो डेफिनेटली इंडिया के अंदर तो होंगी, बाहर के मुल्क भी एक्सपोर्ट होंगी। तो जब बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट होंगी तो उसकी इकॉनमी डेफिनेटली खुद ही ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जाएगी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि वो जिन फूड स्टेप को फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान में, दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनको इन फूड स्टेप को फॉलो करना चाहिए? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान 18 करोड़ की आबादी है, उनकी 1 अरब कुछ करोड़ की आबादी है, तो हमारा उनके साथ कोई लेवल बनता नहीं है। अच्छा, इंडिया जिन फूड स्टेप को फॉलो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को बुला रहा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है, तो आप उनकी स्ट्रेटेजी को कैसे देख रहे हैं? उनकी स्ट्रेटेजी ऐसे है कि अगर वो बुला रहा है तो उनको भी कोई फ़ायदा हो रहा है ना, कि उनको फ़ायदा होगा, उनका मुल्क ऊपर आएगा, मुल्क अगर तरक्की करेगा, इंडिया वैसे भी देखेंगे फिल्म स्टार में ज़्यादा आगे है। ठीक है, वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ऊपर आ रहा है कि इंडिया हो रहा है, तो इंडिया के पास कोई सहूलत नहीं है। अगर उनके पास वो कंपनी बुला रहा है, अगर वो बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो उनसे उनकी तरक्की होगी। आइंदा वक्त में हो सके, मे भी कहना नहीं चाहिए, आइंदा वक्त में वो कि इंडिया ऊपर आ जाए और हम पाकिस्तान नीचे चला जाए। अच्छा, इंडिया ने 2 क्वार्टर में 197 बिलियन डॉलर जो है कर लिए हैं, और उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, उन्होंने कहा हमारा टारगेट ये है कि हम 400 बिलियन डॉलर तजारत जो है एक्सपोर्ट जो करें। अगर इंडिया अगर इस तरह ही करता रहा ना काम, इस तरह ही कंपनियां बुलाता रहा और इसी तरह ही अपने इन्वेस्टर करता रहा, कंपनी के आते रहें, तो ये कर सकता है, कर जाएगा 400 बिलियन डॉलर, ये कर सकता है अगर इसी तरह ही काम करता रहा जैसे इन्होंने पहले कर दिया। अगर इन्हीं में ही अपना जो कि पाकिस्तान भी रोल अदा करे, जाके थोड़ा तावन करे, या अपने ही कंपनी इन्वेस्टर करे, तो पाकिस्तान जो बेरोज़गारी है वो भी दूर हो सकती है, इंडिया की तो मुझे लगता है कि हो जाएगी। अच्छा, इंडिया ने पहले क्वार्टर में 97 बिलियन डॉलर का टारगेट अचीव किया था, अब उन्होंने 100 को क्रॉस किया, और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंडस्ट्री का कहना है कि इंडिया इस साल के आखिर में, इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर में तकरीबन 400 बिलियन डॉलर करेगा, तो आप कैसे कहेंगे उसको? देखें, कर सकते हैं वो लोग, मतलब ये है कि कोई भी कंट्री, इंडिया ही क्यों नहीं, मतलब कोई भी, चाहे कोई भी कंट्री हो, जो लोग, जो हुक्मरान अपनी आवाम के साथ लॉयल हैं, सीरियस हैं, मतलब जो अपनी आवाम को वैल्यू देते हैं, अपनी आवाम के साथ सिंसेरिटी मतलब शो करते हैं, वो वाकई मतलब अप्रिशिएटेबल है। अच्छा, क्या लग रहा है कि इंडिया जो फूड स्टेप को फॉलो कर रहा है पाकिस्तान या और दूसरी कंट्रीज़ को भी फूड स्टेप को फॉलो करना चाहिए? अच्छा, इंडिया की अगर आप आबादी देखें ना, तो 1 अरब से भी ज़्यादा उसकी आबादी है, तो ये चाइना को क्रॉस कर देगी। इंडियंस का मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम्स हैं वो अच्छे खासे बच्चे पैदा करते हैं, तो वहाँ पर उनका भी काफ़ी अच्छा रोल है। तो जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती रहेगी, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, चीज़ें बनेंगी नीचे, एक्सपोर्ट ज़्यादा बेहतर होगी। और वहाँ पे जो मेन चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो ये है कि वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बन रही हैं, प्रोडक्शन जो है ना वो लोकल लेवल पर आ रही है, और किसी भी मुल्क की तरक्की का इंसार ये होता है कि उसकी जो लोकल जो इंडस्ट्री है ना वो मज़बूत हो, वो जितनी मज़बूत होगी उतना उसका मुल्क तरक्की करेगा। भाई साहब ने एक बात तो कह दी, लेकिन ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आबादी जो बढ़ रही है ना, तो आबादी को खिलाने के लिए भी तो चाहिए, उसको संसाधनों की ज़रूरत भी तो पड़ेगी। संसाधन तो सीमित हैं, ज़मीन तो उतनी ही है, पानी उतना ही है, हवा उतनी ही है, तो खैर हवा भी प्रदूषित हो रही है, पानी भी कम पड़ रहा है, शहरों के जो नल हैं वो सूखे जा रहे हैं, और खाना भी कम पड़ रहा है। तो भाई, आबादी ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा है। छोटा परिवार सुखी परिवार इसलिए कहा जाता है, इसलिए पाकिस्तान के पास बेहतर चांसेस थे कि वो छोटा परिवार था, वो ज़्यादा डेवलप कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि उनको तो कुछ और करना था। और जहाँ तक रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं आती है, विदेशी कंपनियाँ ऐसे नहीं आती हैं, वो बहुत कुछ देखती हैं, समझती हैं, छवि देखती हैं, सेफ्टी देखती हैं, रिटर्न की गारंटी देखती हैं, तब जाकर वो निवेश करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुँह उठाए और चल दिए निवेश करने, नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि पाकिस्तान तो बदनाम है, अब पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को पालेगा, पाकिस्तान मुंबई पर हमले कराएगा, पाकिस्तान पुलवामा कराएगा, और ये जग जाहिर है, मतलब इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है, सबको पता पता कि आतंकवादी जो मुंबई में हमला हुआ पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान ने 4 बार अटैक किया, पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, सबको पता है, यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं, पूरी दुनिया को पता है। तो आप अपने आप को झुठला नहीं सकते ना, जब आप ऐसे सपोले पालोगे तो वो तो अपना कारनामा दिखाएंगे ही, उनकी वजह से आपको परेशानी होगी, तो या तो सपोले पालना बंद कर दो, तब आपकी छवि अच्छी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आने लगेगी। अब आप बताइए, चाइना ने वापस आपसे मांगे 38 मिलियन उनके जो इंजीनियर मारे गए, जब चाइना के बंदों को ही वहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो बाकी देश तो आप भूल जाइए,
जो चाइना आपका कहते हैं कि आयरन ब्रदर है, जब उनके लोग मारे जा रहे हैं, उनके लोगों को दिक्कत हो रही है, उनकी इन्वेस्टमेंट ही लग रहा है कि डूब रहे हैं। सीपेक का काम आप लाख कहते रहे, सीपेक का काम इतना ढीला पड़ चुका है, चीन ने पैसा देने बंद कर दिए उसमें बहुत ज्यादा, अब पता कर लीजिए, इक्का दुक्का काम हो रहे हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, बरसों की मेहनत, बरसों की अच्छाई, तब जाके इन्वेस्टमेंट आती है, लोग आप पर तब भरोसा करते हैं। क्वेश्चन ये भी है, इंडिया जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ हर बंदा जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, इस बारे में क्या कहें? अच्छा, मुझे लगता है कि इंडिया गेम समझ चुका है कि इस खत्ते में तरक्की कैसे करनी है। आप बाहर के बंदे को खुश करोगे वो आपको खुश करेगा, मैं जब आपका ख्याल रखूंगा तो डेफिनेटली आप भी मेरा ख्याल रखेंगे, और जब मैं एक बाहर के बंदे को अपने मुल्क में लेकर आऊंगा, उसका ख्याल रखूंगा, उसे वो सब फैसिलिटीज़ दूंगा जो उसको चाहिए, तो वो क्यों नहीं हमारे मुल्क के लिए काम करेगा। तो ये चीज़ अगर पाकिस्तान भी थोड़ा इस पर फोकस कर ले तो बहुत, यहाँ पर तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा, बंदा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा, बंदा टेंशन ले लेता कि चीज़ मंगवाई ना, तो वहाँ पर तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी बहुत कम है और एक्सपोर्ट तो खैर वो कर ही रहे हैं चीज़ें। आपने कहा आप बाहर गए हैं और वहाँ इंडियन आपके दोस्त वगैरह, तो क्या जैसे हम यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की क्लैशेज है, यानी कि एक टसल लगती है बाहर में, ऐसे भी होता है या कोई मसला नहीं होता? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त भी हैं, कभी मैंने बताया मेरे दोस्त हैं, वो दोस्त इसी भी ऐसे ही है ना कि वो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर हम लोग मिलते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे घूमते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में आके पाकिस्तान से मोहब्बत जागती है, और वहाँ पे भी थी नो डाउट, ठीक है, बट वहाँ पे ये नहीं कि हम लोग यहाँ से आप एक दूसरे के साथ वो लड़ना शुरू कर दें या तो इस तरह की बातें करें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग नेचर पे बहुत अच्छे हैं, मिलते हैं, खुश अहलाक हैं, तो हम लोग भी उनको ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही ट्रीट करते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, चलिए मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है उन्होंने कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं कि उनको उनकी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, उनकी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ रही है? सर, बात ये है कि जो उनकी इस टाइम करंट लीडरशिप है, और ये है कि उनके आप प्रोजेक्ट्स उठा के देख लें, मतलब आप एक से बढ़ के एक उनका प्रोजेक्ट देखेंगे, और मैं तो यही समझता हूँ कि वो मतलब सिंसियर हैं अपनी आवाम के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने हॉस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगा कीजिएगा, और अब अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक की वीडियो बनाऊँ उस टॉपिक का कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर जिक्र कीजिएगा, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो भाइयों, वीडियो हो गया है ख़त्म, और जैसा कि आपने राय देखी, सबको पता है कि भारत जो है, इंडिया जो है वो डेवलप कर रहा है, और बेसिकली पता क्या है, भारतीय बड़े कर्मठ होते हैं, बड़े मेहनतकश होते हैं, वो किसी काम को छोटा या किसी काम को बड़ा नहीं समझते हैं। अगर उनको कोई भी जिम्मेदारी मिलती है, कोई भी काम मिलता है, उसको उसी पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, जिससे वो बड़े से बड़ा काम या छोटे से छोटा काम उसी शिद्दत के साथ करते हैं। इनोवेशन, इंडिया में इनोवेशन बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, नए नए आइडियाज़, उन पर काम, उनको डेवलप किया जा रहा है, सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, और इसी का परिणाम है कि यूनिकॉर्न कंपनीज में भारत के कई सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं, जो पुरानी कंपनीज हैं वो बड़ी हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, टाटा हो, रिलायंस हो, मतलब आप नाम लीजिए और बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वो भारतीय वहां पर आपको मिलेंगे हैंडल करते हुए। स्टील में भी हमारा बड़ा काम है, टेलीकम्युनिकेशन में हमारा बड़ा काम है, सॉफ्टवेयर में तो है ही है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जो पाकिस्तानी बैंक हैं वो भी भारतीय सॉफ्टवेयर से चलते हैं, आप पता कर लेना। तो आप समझ रहे हो कि घुसपैठ हमारी हर जगह है, और घुसपैठ ऐसा नहीं हुई है, ये घुसपैठ अच्छी वाली है, हम अपनी काबिलियत से गए हैं वहां पे, चोरी छुपे नहीं गए हैं। आज अगर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं तो वो अपनी काबिलियत से हैं, आज अगर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं तो वो अपनी काबिलियत से हैं, पेप्सी की इंदिरा नूई है तो अपनी काबिलियत से हैं, अपनी इंटेलिजेंस से हैं। तो पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हमें मौका नहीं मिलता, अरे भाई आप पहले उस काबिल तो बनो, तब तो मौका मिलेगा। और ये सब बंद करो ना यार, आतंकवाद को फंडिंग करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, टेरर फंडिंग करना, आतंकवादियों को पनाह देना, ये सब बंद कर दो तो आपका मुल्क बिल्कुल विकास के रास्ते पर नजर आ जाएगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि होगा, क्योंकि अभी हाल में अफगानिस्तान में जो हुआ और अफगानिस्तान को लेकर जो किरकिरी आपके देश की हुई है पूरी दुनिया में, वो सबने देखा है, और किस तरह आप लोग तालिबान का आप लोगों ने सपोर्ट किया है ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो भाई ये सारी चीजें तो दिखती है ना, और दूसरे देश अपना भला तो सोचेंगे ना, जब चीनियों का भला आपके देश में नहीं हो रहा है तो भला और किसका होगा, किसी का नहीं हो सकता। तो अगर आपको भी डेवलप होना है, आपको भी आगे बढ़ना है, तो भाई सबसे पहले आप अपने जहन से ये निकाल दो कि भारत आपका दुश्मन है। जिस दिन ये बात आप निकाल दोगे कि भारत आपका दुश्मन है, उसी दिन से आपकी तरक्की की राह खुल जाएगी,
और अगर आप हमारे खिलाफ काम नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ काम नहीं करेंगे। जब आप करते हो तभी हमें रिटेलिएट करना पड़ता है। तो अगर शांति चाहते हो, विकसित बनना चाहते हो, तो भाई भारत से ध्यान हटाइए, अपने आप पे ध्यान लगाइए। ठीक है, तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।